सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार और आज हम आपको दिखाने लगे हैं लैंड रोवर डिफेंडर। और ये बहुत ही एक सॉलिड एसयूवी जीप है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है और ये फॉर सेल भी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बने रहिएगा वीडियो पे। और अभी स्टार्ट से तो हम ये इसकी कंडीशन चेक करते हैं, कितनी साफ़ है और क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो अभी हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सो व्यूअर्स, स्पेसिफिकेशन की बात कर लें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2007 मॉडल है ये और 130 सीरीज़ है। 130 सीरीज़ मीन के ये इसका चेसिस आता है, 100 120 इस तरह इसके सीरीज़ आते हैं। तो ये 130 सीरीज़ है, थ्री डोर है ये। और जिस तरह कि आप इसके मैं 360 भी आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। थोड़ी सी जगह तंग है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करके दिखाऊँगा क्योंकि यहाँ पर और भी SUV खड़ी हुई है काफ़ी। अच्छा, तो इसके अंदर जो इंजन है स्मोकलेस है और 300 TDI डीजल 2500 CC टर्बो इंजन है इसका। और इंजन की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा लश है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और जो आप इसकी बॉडी देख रहे हैं ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, रीपेंट नहीं हुई भी। और ये बिल्कुल अपनी मतलब कि स्टॉक कंडीशन के अंदर है। न्यू लायरिंग्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं टायर भी नए इंस्टॉल हैं इसके। और बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, ये जिस तरह के आप देख सकते हैं इसकी गुड्डी। और बिल्कुल ये अपनी कंडीशन के अंदर है। और मैं उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ एक मरता, स्टेपनी भी इसके साथ है सेम रिम की, ये जिस तरह के देख सकते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आपका रिम ही डिफरेंट हो। ये जैसा कि आप इसकी साइड लुक चेक कर सकते हैं, बैक लुक चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी एक अपनी क्लास है, लोग काफ़ी सोचते हैं यार लैंड क्रूज़र और प्राडो ने अपना मार्केट में नाम बनाया हुआ है तो ये डिफेंडर क्या चीज़ है। डिफेंडर में आज आपको बताऊंगा, ये बहुत ही एक सॉलिड और टैंक जैसा कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है। बिकॉज़ इसकी पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की होती है। और सेकंडली ये जो आप इसकी फिटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर कोई नट बोल्ट या पेच वगैरह से या वेल्डिंग से नहीं होता। इसकी पूरी चेसी जो पूरी बॉडी है ये इस तरह रिबिट से अटैच होती है। ये बहुत कम गाड़ियों के अंदर इस तरह देखा जाता है कि ये सीन आप मतलब कि आपको किसी गाड़ी में नहीं दिखेगा, ये आपको ओनली डिफेंडर में दिखेगा। और डिफेंडर का कामयाबी के यही राज है जो कि अभी तक कंपनी बना रही है। इनके मॉडल्स कम होते हैं लेकिन बहुत सॉलिड होते हैं। आप बड़ी बड़ी रेंज के देखें तो ये यूज़ कर रहे होते हैं वो, लाइक नेशनल ज्योग्राफिक में हम डिस्कवरी में हम यही देखते होते थे। और मिलिट्री वगैरह भी ये यूज़ करती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत ही एक सॉलिड ऑप्शन है, ना ही इसको जंग लगने वाला है ना ही इसको कुछ होने वाला है। और अब इसके इंजन की माइलेज में अगर आपको बता दूं आप हैरान रह जाएंगे, 37,000 किलोमीटर ये जेन्युइन चली हुई है। और अभी जो इसका नंबर है, नंबर इसका कोयटा का रजिस्टर्ड है, वो सरकारी नंबर है। अभी इसको 2021 का नंबर लगेगा क्योंकि वो नंबर हट जाएगा। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने जिस आपको इसकी कंडीशन दिखा दी सारी, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ऑप्शन है। और साइड पे आप देख सकते हैं मतलब इसकी ऑल एसेसरी जेन्युइन लगी हुई है और इस पर कॉपी लग भी नहीं सकती, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब कंडीशन। आज हम मार्केटिंग वाले बने हुए हैं लेकिन हमने कहा ज़रा ये स्टाइल भी अपना लिया जाए। और इसके गियर बॉक्स की जब बात है ना, गियर बॉक्स इसका आपको 6-speed फॉरवर्ड मिलता है, AC चिल है, AC की जो गैस है वो भी अपनी कंपनी फी वाली ही है, आफ्टर बिल्कुल पूरी नहीं की गई, जेन्युइन उसी तरह ही चल रहा है AC। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कम गाड़ियों में इसका देखने को मिलता है। और इसमें अब आप जिस तरह के देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है, कोई इसको नट बोल्ट वगैरह ओपन नहीं हुआ हुआ, जिस तरह रिपेयरिंग वगैरह ना ही इसको कोई चाबी लगी हुई है, चाबी मीन के कोई पाना प्लास वगैरह कोई इस तरह का कुछ भी नहीं इसको लगा हुआ। मैं अगर लाइट ऑन करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखें जी इसकी बहुत ही ज़्यादा साफ़ कंडीशन है। और यहाँ पे एक मल्टीमीडिया सिस्टम लगता है, वो नहीं लगा हुआ। उस साइड से भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, गेयर बॉक्स आप इसकी सारी कंडीशन देख सकते हैं। हालाँकि जब ये लाइट पड़ती है ना बहुत ही गंद नज़र आता है, लेकिन ये फिर भी बड़े साफ़ कंडीशन में जेन्युइन फैब्रिक के साथ है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इसका कंपनी फिटेड है। और नीचे से भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जी मैट फ्लोरिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ
जेन्युइन कंडीशन के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है और बहुत कम देखी होगी आपने इस तरह की कंडीशन पाकिस्तान में। और अभी मैं बैक से भी दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारी इसकी दरवाज़े की ओपनिंग जो एक साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये देखें जी, बैक से मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये इस तरह है इसका, आप सोफ़ा निकाल सकते हैं पूरा, इसका सोफ़ा निकाल दें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है, यहाँ पे आपके बम्प्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक साइड भी बना हुआ है पैनल, लेकिन एक सोफ़ा एक्स्ट्रा लगाया हुआ है कि आप इसमें 5% भी बैठ सकें आराम से। ये देखें कितने आराम से बंद हो गया दरवाज़ा। और बैक साइड में अगर दिखा दूँ, मैं यहाँ से खिड़की से ही झाँकूँगा, और इसके ऊपर आप देख लें काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, और ये सारा हार्ड शेल के अंदर बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड मटेरियल है ये। मैंने जैसा बताया ये बहुत ही ज़्यादा रगिड है, और हैंडल्स लगे हुए हैं सारे, मतलब कि बहुत ही एक ना डिज़ाइन किया हुआ है कि एक रगिड हो ये आपको ना कहीं जवाब ना दे। जैसा कहते हैं ना, कोई आपने हंटिंग पे जाना है या फिर आपने कोई ऑफ रोडिंग करनी है, ये आपके लिए एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। यहाँ पे एक विंडोज़ दी हुई है जिसे पैनोरामिक भी कह सकते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये आपको एक अपर व्यू काफ़ी अच्छा देगा लाइट अंदर आने के लिए। और ये आप दरवाज़े का खाली ओपनिंग चेक करें, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही लाजवाब। गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं लगी हुई, नहीं तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाता, और अभी लाइट ऑन करके स्टेयरिंग दिखा देता हूँ, मीटर दिखा देता हूँ इसकी, आप ये चीज़ें चेक कर लें। बहुत ही साफ़ सुथरी है और बहुत ही लाजवाब है, 37,000 जेन्युइन चली हुई है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत कम होती हैं इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में जो कि इस कंडीशन के अंदर आपको मिल जाएँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक सॉलिड ऑप्शन है। तो अभी बॉनेट खोलते हैं, बॉनेट के अंदर आपको इंजन दिखाते हैं, इंजन की कंडीशन भी बहुत लाजवाब है। ओके व्यूअर्स, ये है इसका इंजन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब कंडीशन के अंदर है ये भी अंदर से, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक मतलब सही तरह दिखा देता हूँ, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन ही है जो इनकी मार्केट बनाते हैं, और इनके पार्ट्स तो ओवरऑल पूरे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं टर्बो लगा हुआ है, टर्बो चार्ज मैंने जैसा बताया था आपको, ये इंजन है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। इस पर कोई भी नट बोल्ट जो है ना ओपन नहीं हुआ हुआ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त। सो व्यूअर्स, इसका स्मोकलेस इंजन है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ कंडीशन के अंदर है, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है। आपको बस ख़रीदना है और बाय करना है, बस आपने जाके ड्राइव करनी है, तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी बात, ये आपको कंडीशन तो देखी गई होगी कि इसका क्या कंडीशन है, कितने है पानी में ये, और बहुत ही प्यारी गाड़ी है, साफ सुथरी है, और इसकी जो डिमांड की जा रही है 30,75,000 है, और ये आप ख़रीद सकते हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप आके चेक कर सकते हैं, रावलपिंडी कच्चा स्टॉप पे आप चेक कर सकते हैं आके, और अगर मेरे साथ आना है तो आप मेरे साथ भी आ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट रेंज मिलेगी, हम आपको वन बाय वन करके दिखाएँगे सारी गाड़ियाँ, और उनकी प्राइजेस वगैरह भी आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। मैं पहले इकट्ठी दिखा देता था, लेकिन उसमें कोई इतनी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। अगर आप यहाँ पे रेंज देखें तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रेंज है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी तो बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकता। और इसके बाद आपको 5 डोर भी दिखाएंगे, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है वो भी, एक वहाँ पे लैंड क्रूजर सिंगल कैबन खड़ा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अरबियों का फेवरेट, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये सीन था, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और गाड़ी भी पसंद आई होगी। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इसको ख़रीद सकता है, पार्क फील्ड पे ऐड भी लगा हुआ है, आप उस पर जाके इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। और मैंने कंडीशन आपको दिखा दी है जो भी दिखाने वाली थी, और नीचे ग्राउंड एरिया भी दिखा देते हैं आपको, ये देखें ग्राउंड एरिया भी इसका काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। तो मतलब कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बेशक यहाँ पर रीपेंट हैं या कुछ जेन्युइन है, यहाँ पे इनकी मेंटेनेंस की जाती है, इनको चालू करके खड़ा किया हुआ है,
ये नहीं कि जो ख़रीद ली इसी हालत में आपको बेच देना। यहाँ पे इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है, साथ ही इन्होंने वर्कशॉप भी बनाई हुई है, वर्कशॉप पर जाके इसका प्रॉपर काम होता है। तो मैं किसी दिन ये पूरा एक सेटअप आपको विज़िट कराऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा, ये 20 मरले के ऊपर, एक कनाल के ऊपर ये सारा जो शोरूम है ना कवर हुआ है। तो ये मैं आपको एक मरतबा दिखाऊँगा। मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही मतलब कि अनप्रोफेशनल था। इंशाल्लाह अब आपको हम दिखाएंगे जो कि प्रोफेशनल लेवल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह ओवरऑल पड़ी हुई है आपको। ये देखिए जी, पार्ट्स वगैरह अगर ये बेचते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल से ये पार्ट्स वगैरह नहीं बेचते, ये अपनी गाड़ियों के लिए ही, जो खरीद बेचने के लिए रखी हुई हैं उनके लिए ये पार्ट्स रखते हैं। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे यार अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे। यार अब ना वो शौक नहीं रहा, अब आप लोग क्लिक करते हैं वीडियो के लिए, गाड़ी के लिए। मेरा बीच में रोल क्या, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।